दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष रोजगार पर आधारित एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज की वीडियो में जो जानकारी जिस मशीन की और जिस बिजनेस की आपको मिलने वाली है, इससे पहले इस पर जो है ना ब्रांडेड कंपनियों का एक छत्र राज हुआ करता था और सर्वसाधारण के पहुँच से काफ़ी बाहर की चीज़ हुआ करती थी। लेकिन आज इस मशीन के माध्यम से आप बड़े बड़ी ब्रांडेड कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं। तो कौन सी मशीन है, क्या ये काम करती है, किस तरह से रोजगार का सृजन करती है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है दोस्त। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और दोस्त ये जो आप सामने जो मशीन आप देख रहे हैं, इसी मशीन की जानकारी आपको मिलेगी। और सबसे पहले इसकी प्रोडक्शन की बात मैं करूँ कि देखने भर के लिए छोटी सी मशीन है, 18 से 20 किलो प्रति घंटा की ये प्रोडक्शन देती है। आज इसी की जानकारी आपको मिलेगी दोस्त। आपको देख पा रहे होंगे बिल्कुल लाइव डेमो दिखाया जा रहा है कैसे ये प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है। और इस तरह के लगभग 8 से 10 प्रोडक्ट का निर्माण करने में ये सक्षम है ये मशीन। बस डाई चेंज होता है और आप बना सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए यहाँ के जो ऑनर हैं विप्लव सर, उनसे मैं जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी लाभ ले सकें और अगर इस तरह के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो काफ़ी लाभ आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये छोटी सी मशीन सर 20 से 25 किलो माल निकाल देगी, गारंटी लेंगे। वाह क्या बात है। तो दोस्तों आपने सुना 25 kg माल ये आसानी से निकाल सकती है। अब आपके दक्षता के ऊपर है, शुरू में तो उतना माल नहीं निकल पाएगा लेकिन जैसे जैसे आप फैमिलियर हो जाएंगे, आप चलाना सीख जाएंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सर मसाला कोटिंग की। बाज़ार में जो भी पफ मिलते हैं उसमें मसाला लगे होते हैं, तो वो मसाले की जानकारी कहाँ से मिलेगी लोगों को? तो सारी जानकारी जब वो मशीन के लिए आएंगे, बात करेंगे, ऑन टेबल जब हम बैठेंगे तो उनको सारे मसाले की सारी जानकारी, पैकिंग की सारी जानकारी, कौन सा फ्लेवर बनाना है, सारे चीज़ का उनको हम अवेलेबल भी करवा देंगे। कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको अवेलेबल करवा देंगे कि आपको पटना से भी ले सकते हैं, आप मुजफ्फरपुर से भी ले सकते हैं, बड़े पैमाने में दिल्ली से भी ले सकते हैं। मसाला हर एक जगह उपलब्ध है। और जो रोला आता है सर पैकिंग वाला, जो इसका पैकिंग हो जाए, या तो नोमेटिक मशीन से होगा, नाइट्रोजन वाली जो गैस डालती है वो पैकिंग में जो भराता है उस मशीन से ये पैकिंग होगा, तो वो रोला कहाँ से मिलेगा सर? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो मेरे पास है पैकिंग की छोटा छोटा मशीन अवेलेबल है, लेकिन जो आप नाइट्रोजन वाली बोल रहे हैं, FSS वाली बोल रहे हैं और भी जो मशीन बोल रहे हैं, थोड़ा सा प्लांट का काम चल रहा है, देख रहे हैं, विश्वकर्मा पूजा के बाद वो सारा पैकिंग की सुविधा आपको यहीं मिलेगी, सारा कुछ यहाँ मिलेगा, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेगी आपको। एक और चीज़ है सर कि मशीन तो छोटी है लेकिन इसका जो मोटर है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हैवी है, क्या वजह है सर? ये तो अभी हम मशीन को चेक कर रहे हैं, तो मेरे पास एक ही मोटर होता है जिससे कि हम हर एक मशीन ट्रायल करके हटाते हैं। कस्टमर चाहे तो 3 HP के मोटर पे भी इसको चला सकते हैं, सिंगल फेज पे भी, 5 HP पे भी चला सकते हैं, 7.5 पे भी चला सकते हैं। होता क्या है, थोड़ा सा अगर मोटर का पावर ज़्यादा होगा जो आप माल बनाइएगा वो थोड़ा खिलता ज़्यादा है, फिनिशिंग बढ़िया होगा, फिनिशिंग तो 3 HP में भी होगा लेकिन खिलता माने माल जो बनने के बाद एक होता है फूलता है, फुलावट ज़्यादा होगा, वो थोड़ा सा मोटर के प्रेशर से फूलता ज़्यादा है, और कोई अंतर नहीं। यानी कि अगर सामने वाले जो बंधु है जो इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, अगर 3 HP के से भी अपना शुरू कर सकते हैं इस काम को, या तो 5 HP भी शुरू कर सकते हैं, ट्रिपल फेज की सुविधा नहीं होगा, सिंगल फेज से भी कर सकते हैं। 5 HP की मोटर आपको कहीं अगल बगल में पुराना भी मिल जाता है उससे भी कर सकते हैं। एक और सवाल है सर कि कुछ कमेंट भी आए थे, कुछ कॉल भी मेरे पास आए थे इस मशीन के संबंध में कि माल बना लेते हैं उसके बाद फिर छोड़ देते हैं तो जाम पड़ जाता है, तो क्या वजह है उसकी? बिल्कुल यह कमेंट भी सही है और आपका कॉल आया होगा ये भी हम सही मानते हैं, क्योंकि जो बड़ा प्लांट हम लगता है 10 लाख 15 लाख का, तो उसमें आपको अगर बिजली कट जाती है तो अब बड़ा मशीन होता है उसमें स्पेस होता है, साफ हो जाता है। इसमें जब प्रोडक्ट निकालेगी अगर चलते चलते बिजली कट जा रही है तो इसमें आपको माल फंस जाएगा, माल फंस जाएगा, हाँ, और ठंडा होने के बाद जो है यह चलाइएगा तो जाम हो जाएगा। तो अगर आपको चलते चलते बिजली कट जा रही है तो सबसे आसान है कि इसको खोल के एक बार साफ़ कर ले, एक बार इसको जो है खोल के अच्छा से साफ़ कर ले फिर स्टार्ट करें, फिर कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप चलाते चलाते 5-10 मिनट में अगर बिजली आती है तो आप आसानी से चला सकते हैं, लेकिन पूरे जब कोल्ड ठंडा हो जाए, पूरा ठंडा हो जाएगा तो वह जम जाता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको बना लिए प्रोडक्ट बना लिए और बिजली है तो उसके लिए है कि आप अगर इसको रिवर्स ऑपरेट कर देते हैं बंद करते समय 1 मिनट के लिए, तो सारा जो जमा हुआ है माल रिटर्न निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, तो आपको उसमें जाम नहीं होगा।
एक और सवाल है सर कि जो भी मशीन यहाँ से लेकर जाएंगे तो सर्विस कैसे मिलेगी और कहाँ कहाँ ये मशीन डिलीवर हो जाएगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ऑल ओवर इंडिया में मशीन जा रही है, नेपाल में भी जा रही है, बांग्लादेश भी जा रही है, मेरा मशीन बहुत जगह जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इसका मशीन बहुत छोटा है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप लेकर आ जाइए मेरे यहाँ। अगर आप कोई पार्ट्स तोड़ते हैं तो उसका आपको पे करना होगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर जो भी है हम आपको यहाँ पे सर्विस दे देंगे, क्योंकि यह यूज होने का चीज़ है, बार बार जब यूज करेंगे तो यह पार्ट्स ख़राब होता ही है। अगर आपको जानकारी नहीं है, गलत यूज करेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। सीखने की ज़रूरत है, कोई भी काम जो है आपको सीखना पड़ेगा करने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो खोल के बोलते हैं कि खोल के कौन साफ करेगा, तो अगर आप बाइक भी रखते हैं तो सुबह सुबह जब चलते हैं तो उसको एक बार कपड़ा मारते हैं। सही बात है सर। मेरा काम है मशीन बना के दे देना, संपत्ति आपकी है, आप जितना बेहतर इसकी रक्षा करेंगे इतना बढ़िया कमा कर देगा। अगर आप रक्षा नहीं करेंगे, आप इसकी देख रेख नहीं करेंगे तो ये भी आपकी देख रेख नहीं करेगा, सीधी बात है। सर, इस मशीन की वारंटी कितने दिन की है? देखिए, इस मशीन में कुछ है ही नहीं वारंटी के लिए, क्योंकि अगर कोई पार्ट्स ख़राब होता है तो आपके गलती से होता है, तो उस स्थिति में हम वारंटी क्या देंगे। सबसे मेन पार्ट होता है इसका मेल फीमेल अंदर का, तो इसको आप हथौड़ा मारते हैं या गलत यूज करते हैं तो ख़राब हो जाएगी, तो इसमें वारंटी नहीं है। इसमें वारंटी नहीं, बाकी टोटल मशीन में वारंटी है, कुछ भी होता है तो फिर आप जिम्मेवार हैं। हमारी मशीन हमारी है, उसकी सारी की वारंटी है, लेकिन इस मशीन की वारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ख़राब होने का चीज़ नहीं है। अगर ख़राब होता है तो आपके गलती से होता है, तो गलती आप करेंगे तो वारंटी तो हम देंगे नहीं। कहाँ कहाँ डिलीवर हो जाएगी सर ये मशीन? ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, कहीं भी करवा सकते हैं। हाँ, सामने देख रहे हैं, कल से नेपाल से आके खड़े हैं मशीन। अच्छा, नेपाल से भी आए हैं? थोड़ा सा भाई साहब इधर आ जाइए, नेपाल से आए हैं? जी सर, हम नेपाल से। तो ये कुरकुरे वाली मशीन लेने आए हैं आप? जी हम। तो ये बिजनेस करना है, क्या सोच करके इस बिजनेस को कर रहे हैं? अब यूट्यूब पर देखे, इसका बहुत चर्चा चारों ओर। आपके अगल बगल मार्केट में क्या देखते हैं, इस तरह का आइटम बिकता है? इस तरह का आइटम मशीन तो अभी नहीं गया है, लेकिन बड़ी मशीन की माल सब बहुत बिकती है, बाजार में चल रही है चारों तरफ। तो नेपाल में किस जगह से आप हैं? हम रौतहट जिला से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आ करके क्या लगा आपको, सही आपका जो फैसला है सही है या गलत है? सर, देखने पर तो सही लगा, चित बुझ गया। अच्छा। इसके हिसाब से लेकर अब जा रहे हैं अपना। और कब आए थे आप यहाँ पर? हम यहाँ कल आए थे। तो कल आए थे और आज फिर कल आपको मशीन नहीं मिला था? कल मशीन नहीं मिला, रेडी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो आए हैं तो मशीन को चला कर ये लोग दिखाए हैं आपको? जी, अभी अभी चला कर दिखाए हैं, कुछ माल निकाल कर। माल निकाल कर दिखाए हैं जी। लग रहा है ना कि आप चला पाइएगा? जी, चला पाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म तो है नहीं इसमें? नहीं है, आराम से घर पर चला सकते हैं। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, दिकदारी इसमें नहीं देख रहे हैं, एकदम साधारण ईजी है, एकदम ईजी है जी। तो दोस्तों, यहाँ पर विदेशों से भी लोग आते हैं, यानी कि नेपाल से भी हमारे भाई आए हुए हैं, दिव्यांग बंधु हैं, वो भी यहाँ पर आकर के मशीन यूट्यूब के माध्यम से देखे थे और यहाँ पर आए हैं और आज मशीन इनकी डिलीवरी हो रही है। जो आपके सामने ये जो मशीन जो नज़र आ रहा है और प्रोडक्शन जो आप इस वीडियो के दौरान इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो प्रोडक्शन हो रहा है इसी मशीन की हो रही है और ये मशीन नेपाल जा रहा है। और भी जो सावधानी सर बरतनी चाहिए इस तरह के बिजनेस में, इस बिजनेस में, वो बताइए सर। सर देखिए, मशीन छोटी है तो इसकी सावधानी भी छोटी ही है, बस थोड़ा सा मशीन पे ध्यान रखना, वही जो जब बिजली करता है तो उसको साफ करना है। और दूसरी चीज़ है कि अब आपका पार्ट आ गया मसाला कोटिंग और पैकिंग का, तो आप देखिए कि आप किस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपका बजट है तो मसाला कोटिंग के लिए आप ले लें मशीन, नहीं है तो देसी जुगाड़ से कर लें, कढ़ाई वगैरह। हाँ, देसी जुगाड़ से भी खूब होता है बिहार में। अच्छा, तो ये एक और सवाल है सर कि इसमें डाई है, आपने डाई की भी बात की थी, तो इसमें कितने तरह की डाई आप फ्री में देंगे, मशीन के साथ देंगे, और कितने तरह की डाई इसमें इस्तेमाल हो सकती है? सर, सबसे पहले जान लीजिए कि आज तक पूरे भारत में फ्री कोई कुछ नहीं देता है। अगर फ्री बोलता है तो उसका रेट कहीं ना कहीं जोड़ा हुआ होता है। तो हमारा जो मशीन है उसमें एक डाई सेट में लगी हुई है, ठीक है। जो भी आप एक्स्ट्रा डाई लेंगे उसका आपको पे करना होगा। कितना सर? देखिए, अलग अलग तरीके का डाई है, कुछ डाई 1200 का है, कुछ 1500 का है, कुछ 1700 का है, अलग अलग तरीके। 1200 से लेकर 1500 के आसपास सारी डाई है? हाँ, सारी डाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दिया। तो दोस्तों, आपने सुना, अगर कम पैसे में कम बजट में अगर खुद का स्वरोजगार करना चाहते हैं तो बेस्ट है ये बिजनेस आपके लिए। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मशीन सर खरीदने से आपकी इनकम नहीं होती है, उसको चलाने से इनकम होती है, क्योंकि जगह बना बनाया किसी को नहीं मिलता है दोस्त। पहले से भी लोग हैं, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियाँ भी हैं, तो उनको आप टक्कर देने चले हैं तो क्वालिटी में से समझौता नहीं करना पड़ेगा। और सारी जानकारी सर ने आपको बताया है कि अब
क्वालिटी से समझौता ना करें, मसाले के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, पैकिंग मशीन के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और सारी मशीनें आप यहाँ से भी अवेलेबल और यहीं पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। 3 मशीनों का कंप्लीट ये यूनिट होता है, तो सारी जानकारी तो आपको मिल चुकी होगी इस वीडियो में। तो विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि वीडियो में रेट नहीं बताते हैं, तो आपको बता दें कि इस मशीन का रेट 35,000 प्लस GST है विदाउट मोटर, जिसमें मोटर अलग से लगाना है। मशीन अगर आप लेते हैं तो 35,000 प्लस GST। अगर हमारे दूर के कस्टमर आए और भी कोई कुछ चाहते हैं तो इसके लिए जब ऑन टेबल आएंगे तो थोड़ा बहुत हम कम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो दोस्तों आपने सुना, सर ने बताया, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इस मशीन की जो कॉस्टिंग है, जो कीमत है 35,000 प्लस GST तो भैया आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास भी नहीं रहता, इनको भी सरकार को देनी होती है, देना चाहिए सरकार को। तो दोस्तों इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए।